गुरुग्राम में मित्रता या रिश्तेदारी का वास्ता देकर ड्राइविंग टेस्ट पास किए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है। इसके लिए आवेदक को गाड़ी चलाकर दिखाना ही होगा। आपको बता दें कि इस तरीके से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक हर आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा और इस कार्य से पारदर्शिता ही आएगी। मेरा नाम ईशा गुप्ता है। ईशा, आज आप लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं, तो किस तरह का टेस्ट आपने किया है और क्या लगता है कि कितना ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है? मैंने परमानेंट ड्राइविंग के लिए टेस्ट दिया है और ये मुझे जहाँ तक लगता है ये काफ़ी ज़रूरी है एक अच्छा ड्राइवर होने के लिए। जो रूल्स यहाँ पर फॉलो होते हैं वही सेम रूल्स रोड पर फॉलो हो पाते हैं। अगर हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे तो रोड पे भी डिफ़िकल्टी आती है करने में। सो ये लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है एज़ पर इंडियन ड्राइविंग इज़ बेस्ड। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले की प्रक्रिया जो होती थी लाइसेंस बन जाते थे, अप्रोचेबल से बन जाते थे, लेकिन अब आपको टेस्ट देना ज़रूरी हो गया है, तो उससे लगता है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और खासकर जो उन लोगों के लिए जो ड्राइविंग नहीं जानते फिर भी गाड़ी हाथ में लेकर के सड़कों पर चलाते हैं, तो उनके लिए किस तरह आप बताना चाहेंगे कि लाइसेंस बनाना कितना जरूरी है? मैं कहना चाहूँगी जो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं वो थोड़ा सा नुकसानदायक है, क्योंकि अपना ही नहीं और सामने चलने वाले के लिए भी नुकसानदायक है। बिना जाने पहचाने की रोड की डायरेक्शंस को हम चलाते हैं तो वो एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी कि हम एक लाइसेंस तो रखें ही आज की डेट में। आज आपने जो टेस्ट दिया किस तरीके का टेस्ट रहा और क्या कुछ आपको बताया? मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में एच बनाने के लिए बोला गया और मतलब रूल्स के लिए मुझे गाइड किया गया, पहले की पहले रिवर्स मतलब आगे लेके जाकर फिर पीछे रिवर्स लेनी थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे टेस्ट देने के लिए कहा गया था गाड़ी के लिए। तो कैसे रहा, सक्सेसफुल रहा आपका या क्या कुछ? अभी तक तो नहीं है, इतना अच्छा नहीं हुआ, लाइक नेक्स्ट ट्राई पॉसिबल है शायद। तो मानते हैं कि तीन बार चांस दिए जाते हैं, तो तीन बारी कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर तीन बारी में भी अगर नहीं होता है? मतलब अगर कोई पहली बार में नहीं कर पाता है तो शायद दूसरी बार और नहीं तो शायद तीसरी बार का ये चांस देती है गवर्नमेंट। सो वो एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हर कोई फर्स्ट बारी में तो क्लियर नहीं कर सकता ना। मैडम, मैं एज ए ट्रैक पे ड्यूटी है मेरी यहाँ पर SDM साहब के थ्रू लगाई गई। क्या कुछ इस बार जो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है वो किस तरह से है, गुड़गांव के लोगों को कितना फ़ायदेमंद है इस पूरे लाइसेंस की प्रक्रिया से? लाइसेंस की प्रक्रिया में सर ऐसा है, देखिए हमारे पास कुछ लोग नए सीखे हुए भी आते हैं जिनके लर्निंग लाइसेंस बने हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने सीखे हुए हैं, बट यहाँ पे हम उनको बताया जाता है कि कानून गुड़गांव के अंदर ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके हम बहुत अपने तरीके से पूरा टाइम देते हैं उनको कि जिस तरीके से वो एक कानून के नियमों के तहत किस तरीके से रोड पर उन्होंने चलना है। ट्रैफिक की अंदर जो बार बार एक रोड पर जाम लग जाता है उस चीज़ को लेकर, गाड़ी चलाते समय बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो उस चीज़ को लेकर हम अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करके चल रहे हैं कि पब्लिक इन चीज़ों को फॉलो करे। तो ये प्रैक्टिकली जिस तरीके से आप ये कराते हैं कितने आवेदन आपके पास आते हैं और कितने पास होते हैं? आवेदन सर देखिए हम कोशिश हमारे पास दो बैच होते हैं पर डे, दो बैच में 25 से 30 गाड़ियां पर बैच में आ जाती हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे जो फर्स्ट टाइम नहीं हो के सेकंड टाइम में पास हो रहे हैं, अब वो माइंड में कई बार नहीं बैठ पाती जिन लोगों के, उनको हम फिर नेक्स्ट टाइम 5 मिनट फालतू टाइम दे के उनको सिखाते हैं, भाई आपसे जो गलती हुई है उसको, जब लास्ट टाइम वो फर्स्ट टाइम फेल होते हैं उनको बताते हैं कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखो कि आप कहाँ गलती करी आपने, उस गलती को दोबारा ना दोहराएं नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आप। अब मानते हैं कि जो यहाँ पर जिस जो शख्स टेस्ट पास कर देता है वो आगे जाकर कहीं भी रोड पर या कहीं भी गलियों में मार नहीं खाता? सर अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ड्यूटी लगाई गई है हम उसको अपनी ड्यूटी को अपने तरीके से बहुत अच्छे से निभाएं। हालांकि पहले जो लाइसेंस की प्रक्रिया थी वो पहले अप्रोचेबल पे भी बनते थे, ऐसे भी बनते थे, लेकिन आप जिस तरीके से पूरी मुहिम चलाई है, पहले टेस्ट दोगे तभी आप लोग आपका लाइसेंस बनेगा, तो इसको किस तरह मानते हैं आप, कितना फ़ायदेमंद है ये आम लोगों के लिए भी और जो सड़क दुर्घटनाओं में भी कितनी कमी आती है इसको लेकर? सर सड़क दुर्घटनाओं की जहाँ तक बात है, ये मुहिम तो टेस्ट वाली कई सालों से चली आ रही है, बट ये है कि सिखाने की जो प्रक्रिया है
वो हमने पहले क्या होता था, फर्स्ट टाइम फेल हो गए तो लाइसेंस का दोबारा यूज़ करो, नए का प्रोसेस फॉलो करो। अब हमने इसको 3 बार टेस्ट का एक बनाया है कि फर्स्ट टाइम फेल होते हैं आप, सेकंड टाइम आइए, सेकंड टाइम नहीं हो सकते थर्ड टाइम फिर आइए। पब्लिक के माइंड में भी एक सरकार को लेके ये ना हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है। कितने मिनट का ये सर? ये तो भीड़ पे डिपेंड करता है, हमारे पास कितनी गाड़ियां पर डे आ रही हैं। कोशिश पूरी रहती है कि हर जो भी लोग अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आ रहे हैं, पूरा टाइम निकाल के घर से लेकर आ रहे हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे कोई एम्प्लॉई है, उनका जो भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी को फ्री करके भेजते हैं। टेस्ट कितने मिनट का ही टेस्ट होता है? कितने मिनट का है सर, ये तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो, अगर पूरा इंटरेस्ट लेके ड्राइविंग कर रहा है तो वो तो 5 मिनट में भी फ्री होके जा सकते हैं हमारी तरफ से। और कोई गलती पे गलती करे जा रहा है तो उनको हमारे को स्पेशली ये बैग कह के भेजनी पड़ती है सर। आप वो गर्म भी हो जाते हैं कई बार इस बात को लेके कि ये टेस्ट में हमारे लिए रोड पर तो हम चला लेते हैं, यहाँ पर हमसे नहीं चल रही गाड़ी, तो उनको ये बात बता दी हम, फिर इसलिए हम एक डेमो देते हैं उनको खुद गाड़ी चला के, देखो सर ये गाड़ी चल रही है, आपकी ही गाड़ी चला रहे हैं हम, उनकी गाड़ी में हम खुद बैठ के उनको डेमो देते हैं, देखो सर ये आपकी गाड़ी है, आप कहते हो नहीं चल रही, फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझसे कहीं गलती हुई है। मुझे न्यू जनरेशन की बात करें तो लगातार हर बच्चा जो है अब गाड़ी चलाने में अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, एक्सपर्ट समझता है। जिस तरीके से अब जब वो लाइसेंस बनाने आता है तो उस समय उसकी सोच जब आप उनसे मिलते हैं तो किस तरह की सोच रखते हैं? सोच सर उनकी इस तरह की होती है, उनको हम सिखाते हैं उससे पहले तो उनके माइंड में ये बात होती है हम चला लेंगे, तो अच्छी बात है वैसे कि एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम चला लेंगे। उस चीज़ का हमारे को भी कुछ फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चे जल्दी कुछ कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंस होके गलत भी कर बैठते हैं। अगर यहाँ पर महिलाओं की बात करें या लड़कियों की बात करें तो कितनी मात्रा में महिलाएं भागीदारी इस महिलाएं बहुत आ रही हैं सर, महिलाएं चाहे वो वर्क लेडी हैं चाहे हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वुमेंस भी बहुत हैं जो टाइम निकाल के आ रहे हैं, आज भी आप देख सकते हैं बहुत आए हुए हैं, तो हम अपनी तरफ से उनको भी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको बार बार परेशान ना होना पड़े। बाकी आप सैंपल आप देख सकते हो आज, तो आज मानते हैं कि जिस तरीके की मुहिम सरकार द्वारा चलाई गई है लोगों के लिए भी फायदेमंद है और जो आम लोग जो सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए सर बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जिस एक इंसान अगर कहीं जाम में गलती करता है ना, ट्रैफिक में जाम लग रहा है, अगर वो गलती कर रहा है उसकी वजह से 50 लोग पीछे जो खड़े हैं आगे खड़े हैं वो भी परेशान है। हम उनको ये बात कह के भेजते हैं कि सर आप जो गलती कर रहे हो ना इसकी वजह से आप 50 लोग और भी परेशान होते हैं, इस वजह से हम उनके माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके भेजते हैं। लास्ट सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो उसमें भी क्या लगता है इजाफा होगा कि? हाँ सर, ये जो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं ना एक पोल से जो छोटे छोटे लगा रखे हैं, हम इनको एक सैंपल देते हैं कि ये इंसान है इंसान खड़ा है, आपने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो इसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई मीन्स आपने एक इंसान मार दिया, हम इस टाइप का एक एग्जाम्पल देते हैं इनको, जिससे कि इनके माइंड में ये बात बैठे कि मैं अगर चला रही हूँ गाड़ी चला रहा हूँ या चला रही हूँ तो मुझसे ये गलती ना हो फ्यूचर में। क्या अभी आवेदन में कमी आ रही है या फिर रोजाना ही इतने आवेदन आपके पास आते हैं? सर ऐसा है ना, देखिए आज जैसे 2 छुट्टियों के बाद आज ऑफिस खुला है तो आज गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा हैं, अदरवाइज रूटीन में गाड़ियाँ आ जाती हैं, कोई आपको जैसे बताइए मैंने 50 गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, कभी जैसे पब्लिक हॉलीडे प्राइवेट सेक्टर का होता है तो ज़्यादा भी हो जाती हैं, और ना हो वर्किंग डेज में कई बार 20 गाड़ियाँ भी आती हैं, कई बार ऐसे हैं हमारा कोई एक एग्जैक्ट नहीं है कि 50 ही आनी है 30 आनी है 20 आनी है।